गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज श्वेता रिपोर्टिंग फ्रॉम अ बोट हाउस। ये सारा बोट हाउस के आजू बाजू का एरिया है, नीचे पानी है। मैं आज ढूंढने वाली हूँ मेरी माता जी के लिए पश्मीना शॉल। दिक्कत ये है कि मुझे बार्गेनिंग करनी नहीं आती और यहाँ पे बार्गेनिंग के बिना काम नहीं चलेगा। कश्मीर का एप्पल है ये। जब मैं आ रही थी तो मुझे एक ड्राइवर अंकल ने दिया था। माय गॉड, ये मीठा भी है। सॉरी फॉर द नॉम, ये सही में बहुत अच्छा है। ओके, बाहर मिलते हैं आपसे। I'm smart. गुलमा भी इस तरह खाने खाने के। मैंने आपको 500 बोला। हम बस लेक के अराउंड घूमने वाले थे। हमें पता था कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा तो हमारे बजट में आएगा नहीं। और एनी हाउ ऐसा लगता है ना कि पानी में घूम के क्या करें, तो सडनली एक आत्मा प्रकट होती है, होते हैं इनफैक्ट। वो हमसे पूछते हैं कि 500 रुपीज़ एक घंटे का चार्ज है पूरा लेक घुमाने का। फिर जैसे ही बैठते हैं फिर वो ऐड ऑन करते हैं कि अगर आप 500 और दोगे तो थोड़ा सा और घुमाएंगे। और कहीं भी रुकने का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप कहीं भी कितनी देर तक भी रह सकते हो। मुझे लगता है ऐसा होता नहीं होगा क्योंकि 2 घंटे है तो टाइम लिमिट तो है ना। सो एनी हाउ हमें अपने विजडम पे चलना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी जिन्होंने इन्होंने नाम लिया मुझे याद नहीं है। तो ये शिकारा एक्चुअली है बहुत ब्यूटीफुल। फाइनल प्राइस हुआ है इस शिकारे का 2 आवर्स का 800 रुपीज़। ना ज़्यादा सर्दी हो रही है ना ज़्यादा गर्मी हो रही है और बाहर धूप। आह हाँ हाँ, ओहो हो, पानी पे चलने वाले इंसान सुंदर तो बहुत है, बढ़िया है। आप देखो ना इसमें रिंग भी है, एयरिंग भी साथ है पूरा। तो कैसा लगता है दिल्ली आपको? अच्छा है। देखो मेरे ब्रेस्लेट वगैरह देखो जी है बहुत सुंदर भैया, लेकिन मैं पहनती नहीं है सब। कुछ घर के लिए गिफ्ट है, माँ बहन घर नहीं, मम्मी दोस्त के लिए कुछ दोस्तों हमारे दो ही दोस्त हैं, मैं इसका ही है मेरा। बनाओ फ्लेवर का? नहीं 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 पीते। किसरी पा डबल एप नहीं पीते ही नहीं, नशा नहीं जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं। सर जी मम्मी खा रहे हैं बादाम का कॉफी, उसका और फ्रूट का वॉलनट आइसक्रीम। रे बहुत मजा आ रहा है। मैं हूँ नेहरू गार्डन में अभी। अंकल ने बताया कि ये लेक बहुत ज्यादा बड़ा है, लाइक 22 स्क्वायर किलोमीटर है लेक का एरिया। और इसमें सिर्फ हाउस बोट्स नहीं है जो कमर्शियल हमारे लिए बनते हैं, एक्चुअली पूरा गांव बसा हुआ है और हम लोग उस गांव के साइड से भी जाएंगे। और वो बताते हैं कि वो 40 साल से इसमें काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि 40 साल पहले शुरू हुआ था, ये उससे भी पहले शुरू हुआ था। उनके दादा परदादा सब ये काम करते थे। और कहते हैं कि जितने भी बच्चे होते हैं इधर गांव में सबको तैरना आता है। उनको 3 साल की उम्र से ही पानी में छोड़ दिया जाता है तैरने के लिए। और कश्मीरी बत्तख कहते हैं उनको। और पानी के बीच बीच में कोई हमें फल बेच रहा है, फ्रूट चाट खा लो, कोई आइसक्रीम खा लो, कोई कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, कुछ ना कुछ कर लो यार, क्योंकि ये पूरा मार्केट यहीं पर लगता रहता है। जैसे हम टूरिस्ट लोग ऐसे ट्रैवल करते रहते हैं ना, तो बीच बीच में आके चीज़ें बेचते रहते हैं, इसी से लालन पालन चलता है। आ, आ, आ। अंकल की सुंदर फोटो खींच रही है, यादगार रहेगा ना। रेगुलर सामान का आना जाना, लोगों का आना जाना, बच्चे स्कूल से बोट के थ्रू आ रहे हैं, कपड़े बिक रहे हैं, वादीलाल का स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है ये, कपड़ों की शॉप है ये। अंकल बता रहे हैं ये फ्लोटिंग मार्केट है। ये देखो शॉप्स। मैं यहाँ से कुछ शॉपिंग तो नहीं कर पाऊंगी, पर मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे रुक के शॉपिंग कौन करता होगा। कपड़ों का कलेक्शन, ओ हो हो। अंकल कितना मुश्किल होता होगा इधर रहना। ये तो उनका खेती बाड़ी है ना। हाँ,
गर्मियों का था खेती बाड़ी। हाँ। अब इनको जो सब्जी निकलती है ना, हाँ, सुबह सवेरे 5 बजे मार्केट लगता है सब्जी का। अच्छा। गाँव के लोग बेचते हैं व्यापारियों। हाँ वो निकला है, मैं अभी मैंने मम्मी के लिए एक शॉल ले लिया है। मेरी बड़ी फैमिली नहीं लेके आनी चाहिए शिकारा में। लाइट वाला जो मकान है ना, वहाँ पे हैदर का शूट हुआ था। और जिस लैंग्वेज में यहाँ के लोकल लोग बात करते हैं वो एक्चुअली कश्मीरी लैंग्वेज है। तो मैंने सोचा कि कश्मीरी क्या लैंग्वेज होता है, तो फिर पता चला कि कश्मीरी लैंग्वेज इज़ अ मिक्सचर ऑफ संस्कृत, उर्दू एंड अरेबिक। तो इन तीनों मिक्सचर से जो बनता है वो बात करते हैं। बहुत सुंदर सा कुछ ये फ्लोटिंग गार्डन, इसमें ना डंडे बांस गाड़ के रखा है इन लोगों ने। देखो वहाँ पे अगर ऐसा नहीं करके रखेंगे तो ये फ्लोट करना शुरू कर देगा। इंटरेस्टिंग। उधर कोई रहता है अंकल उस साइड? पीछे वाला एरिया है, पीछे जो घर है यहाँ पे लोग रहते हैं। इसे कहते हैं गोल्डन लेक क्योंकि ये रात में चमकता है। एक्चुअली मुझे लग रहा है ये दिन में ज्यादा चमकता है, इसलिए इसे गोल्डन लेक कहते हैं। रात में कैसे चमकेगा? जो भी ग्रीनरी दिख रही है, जो भी घास दिख रहा है आपको, उस घास के अंदर जाके देखोगे तो एक्चुअली खेती दिखेगी। जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो इन्हीं जगहों पे खेती करते हैं, जो भी उनको खाना पीना हो। और जो लोटस है यहाँ पे खिलता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं, घर में ले जाके उसको उसका सूप बनाते हैं। अभी हम फ्लोटिंग मार्केट से निकले तो उसी मार्केट में हम एक शॉप पे गए थे। एक्चुअली हमें बोला गया कि पश्मीना शॉल का कारखाना है, पर अंदर गए तो वो शॉप था। उन्होंने हमें डिफरेंस बताया कि पश्मीना शॉल और नॉर्मल शॉल के बीच में क्या होता है। जो पश्मीना शॉल बनता है वो स्पेशल काइंड ऑफ मटीरियल से बनता है, और वो जो मटेरियल होता है वो एक गोट से आता है जिसका नाम कुछ अयाक्स या आइबक्स है, जो लद्दाख में पाया जाता है, लाइक -20 डिग्री सेल्सियस में वो पाया जाएगा, और बहुत कम अमाउंट में होते हैं वो। तो उनकी जो दाढ़ी आती है ना, अब इतनी बड़ी दाढ़ी आती है, उसको ट्रिम करते हैं, उसको कट करते हैं और फिर उससे बनाते हैं वो लोग शॉल। एक शॉल बनाने में लगभग 2-3 महीने का टाइम लगता है, इसीलिए जो पश्मीना शॉल है पर्टिकुलरली जो पूरे उस मटीरियल से बनाई हुई है, नो मिक्सिंग एट ऑल, तो वो 20-30 हज़ार की बिकती है। लेकिन उसके बाद फिर वो गारंटी वारंटी भी देते हैं कि अगर आप ये शॉल खरीदते हो और कुछ सालों बाद, लाइक 5-10 सालों बाद आपका मन नहीं करता है शॉल को ओढ़ने का, तो आप उसको वापस आके यहाँ पे बेच भी सकते हो। मतलब कोई ख़राबी या कुछ भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार है। नहीं तो छेद हो गया। तो मुझे घूम के काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भी मिस नहीं करूँगी मैं अगर लेके अराउंड घूमूंगी तो, लेकिन जब यहाँ पे आई, मार्केट देखा, लोगों का रहना सहना देखा, तब मेजर मिस हो जाता। बहुत सारी जानकारी मुझे नहीं मिल पाती। टंकी लेके जा रहे हैं जी अंकल, पान। तो हमारा ये है कि भेज रहा है उधर उसको। पहली बात तो ये कि बहुत मज़ा आया। क्या लग रहा था, गाना गाऊंगी? बस मुझे लगता है कि थोड़ा सा और क्लीन होना चाहिए, लाइक हमें पेपर कप्स और ब्ला 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 चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। अंकल काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी बात करी हमने उनसे और उन्होंने हमको बहुत कुछ बताया। इतना सारा इन्फॉर्मेशन हो गया है ना कि एक बार बैठ के मुझे सोचना पड़ेगा। मैं ये कह रही थी कि अभी मुझे बोर्ड पर घूमते घूमते भूख लग गई है, तो मैं जा रही हूँ कुछ बेकरी का सुंदर सा आइटम ढूंढने और खाने, क्योंकि यहाँ पर सुना है कि बेकरी के आइटम्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बेकरी और कॉफ़ी या टी। खदोड़ हो गई हूँ, इतनी खदोड़ क्यों हूँ मैं? ठीक है, ओवरऑल द एक्सपीरियंस वॉज फन, एक बार सबको ट्राई करना चाहिए। सो लाल चौक जाने का इरादा हमारा कल है, क्योंकि आज काफ़ी शाम हो गई है तो हमें एडिट भी करना है एंड काम भी करना है। ये इलेक्ट्रिक साइकिल है जो आप रेंट कर सकते हैं, लेकिन आप रेंट कर सकते हैं, मैं नहीं, क्योंकि मुझे साइकिल चलाना अभी तक नहीं आता। देख लो अपना। ओके बाय, मैं जा रही हूँ खाने हमेशा की तरह।